हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित अहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो ये वीडियो है मेरे फ्रेंड्स, ये अब कुछ तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जब आप एक ट्रेनर की हैसियत में होते हैं तो जो भी चीज आप प्रेजेंट करते हैं अपने ऑडियंस को या जो ट्रेनी होते हैं उनको, आप कोशिश करते हैं कि वो जो चीजें हैं उसका एक, जिसे कहते हो ना, एक जिस्ट, जिसे हम बोलते हैं एक निचोड़, वो निचोड़ को आप उसे प्रेजेंट करें ताकि मैसेज भी पहुंच जाए और आपका जो जो आप बताना चाह रहे हैं और मैसेज भी, और उनको फायदा भी हो। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जो अपने ऊपर बीती हुई चीजें हैं उनका एक एक, जैसे बोलते हो ना कि जैसे हम कोई खट्टा मीठा नमकीन टाइप या कश्मीरी मिक्स, उसमें कुछ काजू है, कुछ बादाम है, कुछ किशमिश है, चिड़वा है, व्हाटएवर जो भी है, और एक उसका वो एक बढ़िया सा मिश्रण बना के आपको पेश किया जाता है। अब उसमें क्या है कि ये कुछ चीजें तो आपके खुद बीती हुई होती हैं, कुछ चीजें जो आपके टेक्निकल फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे टेक्निकल फ्रेंड्स हैं उन पे बीती होती है, और कुछ चीजें जो आप, जिनको आप YouTube पे या सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उन पे बीती होती हैं। तो ये सारा जो जो चीजें हैं ये मिलके एक आप स्क्रिप्ट तैयार करते हो। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये फिल्म जो है, जब वो लिखा आता है कि ये जो फिल्म है ये रियल लाइफ सिचुएशन पे आधारित है। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि मैंने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, जो तो। और इसकी लास्ट में मैं आपको, YouTube पे एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, उसका नाम, क्योंकि मैं आपको लिंक नहीं दे सकता हूँ या ऐसा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब का वो प्रोप्राइटरी और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट ये है कि YouTube पे मैं आपको बता रहा हूँ तो मालूम नहीं है कि अगर मैं वो भूलूं वो फिर कोई नाटक हो। तो बेहतर ये है कि जिसको पता करना है वो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज डाल दीजिएगा और मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा। तो आपको जो आज मैं कह रहा हूँ, जो पर्पज है वीडियो की, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आप ये देखिए, इस पे पास आ जा, ये छोटा है, ये ठीक है, देख इसको ध्यान से देखो मेरे फ्रेंड्स, बस थैंक यू। बात ये है, ये कोई साइकोलॉजी या उसकी कोई क्लास नहीं है, फिलॉसफी की। मैंने आपको दिखाया है परसेप्शन या नजरिया। अब मसला ये है कि इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, राइट। और मजे की बात यह है कि हर एक की एक चीज को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल ही अलग होता है। जो हम सोचते हैं कि यार इसको ही समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो वही हमारे बारे में भी सोचता है कि इस डफर को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं तेरे से इत्तेफाक नहीं रखता। हम कई बार ज्यादा ओवर एंथुसियास्टिक होके इतना पुश करने की कोशिश करते हैं कि ये करो, ऐसे लो, वो लो, ये लो, मतलब जैसे अगर अपने को टूल बेचना है तो मैं आपको, नहीं नहीं ये मेरा परसेप्शन है, जरूरी मैं बोलता हूं, मैं मेरे लिए भाई थिंक टूल मास्टर जो है सबसे बढ़िया टूल है, शायद आपके लिए ना। और उसमें क्या है, अक्सर हमारा काम है कि
प्रेजेंट कर देना। बट कमिंग डाउन टू दी मेन मुद्दा जो वीडियो का है, और ये वीडियो इसलिए बना है क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही मेरे लिए दिल के पास का है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी 2-5% इससे इत्तफाक रखेंगे। परसों तरसों मेरा एक मित्र है, उनका नाम चंदर है, और वो इंदिरापुरम, इंदिरापुरम जिनको नहीं मालूम मेरे भाइयों को, इंदिरापुरम जो है दिल्ली एनसीआर यूपी में, मतलब यूपी के बॉर्डर पे, वो एक जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, व्हाटएवर दे कॉल इट, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, बट इंदिरापुरम बोलते हैं। अब वो आई डोंट नो तहसील बोलते हैं या व्हाटएवर यार, सो बट एनीवे इंदिरापुरम में उनकी वर्कशॉप है, और वो आए थे, और जो हमारे एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है मुकेश भाई, मुकेश चंद्र गौड़, उनसे भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्योंकि मुकेश जी की मेरे ख्याल से जो वर्कशॉप है वो गाजियाबाद में है, तो मेरे ख्याल से इनकी आपस में दुआ सलाम रहती है चंद्र जी की। तो आए थे, तो हमारी अब जैसे बात ये है कि एक टेक्नीशियन जब दूसरे से मिलेगा तो आप ये मान के चलिएगा कि टेक्निकल बातों के अलावा और कोई बात नहीं होती। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी दुनिया में जितने भी टेक्नीशियन देख लो, जो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का मतलब ये है ट्रक, कार, पुर्जे, कल पुर्जे बनाने वाले, टायर शायर, मतलब आप एक ऑटोमोबाइल को देखो उसके एक एक तो कंपोनेंट, डायग्नोस्टिक्स वाले, ये वो, कम से कम अगर 1 बिलियन लोग, मींस 100 करोड़ लोग दुनिया में ऑटोमोबाइल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए, और इनके जहां तक मैंने देखा है सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सुनाना है, अच्छा बुरा जो भी है व्हाटएवर, कुछ अच्छी है। अब मसला ये हुआ कि हमारी आपस में बात हुई, तो और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, उन्होंने कहा अमित भाई मेरे पास एक गाड़ी आई, और गाड़ी के सिम्टम्स क्या है कि गाड़ी में जनाब मिसिंग है, कि जब गाड़ी खड़ी है मतलब आप आइडलिंग करते हैं, मतलब मिसिंग है, उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, कभी स्टार्ट होती है कभी नहीं होती है, और तो जाहिर सी बात है जब आप स्कैनर लगाते हो तो उसमें उसमें ये आ जाता है कि मिस फायर इन सिलेंडर 1, सिलेंडर 3 जो भी व्हाटएवर, उसमें उसमें आ गया कि जी आपका इम्प्लॉजिबल सिग्नल, सिग्नल वोल्टेज टू लो, तो कुछ फॉल्ट वगैरह आए, और वो सारे जो थे ज्यादातर उनका कहना था कि इधर कोई भी ऐसा परमानेंट फॉल्ट नहीं था, जब डिलीट करते थे फॉल्ट चले जाते थे, और गाड़ी जो है वो जो कि तुम, मतलब आप 1-8 मिनट के लिए चलती होगी ठीक से उसके बाद एनीवे। तो उनका कहना यह था कि साहब पहले उन्होंने, क्योंकि वो खुद टेक्नीशियन है, मैकेनिक है, तो मैंने कहा फिर क्या करा आपने चंद्र जी आपका क्या, तो कह रहा है जी मैंने तो उसका मैकेनिकली मेरे को लगा सर कि इसका फ्यूल पंप चेक करें और इसका जो फ्यूल प्रेशर है वो चेक करें। तो इत्तफाक से वो जो गाड़ी आई थी इनके पास वो अपना फ्यूल पंप भी बदलवा के आई थी, तो फ्यूल प्रेशर जो है वो मतलब ऑब्वियसली ये जाहिर सी बात है कि फ्यूल प्रेशर थोड़ा सा कम था, और बट ये है कि फ्यूल पंप नहीं आता जो भी है उसके बाद। द सेकेंड स्टेप मतलब जो मैकेनिकल पॉइंट है, फिर उन्होंने कहा जी मेरे को लगा सर कि इसमें जो वॉल क्लियरेंस है
मतलब वॉल ठीक से बैठ नहीं रहे, मतलब वॉल खुले रह रहे हैं तो भी मिसिंग आएगी। मैंने कहा बिल्कुल आएगी बात। तो ये जो एक मैकेनिकल आदमी है उसकी परसेप्शन है कि उसका नजरिया है कि वो सिर्फ उस मैकेनिकल चीज को देखेगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर वो गाड़ी को उन्होंने कहा यार, फिर हमने कहा कि साहब वो तो कुछ करने से कोई फायदा हुआ नहीं, तो हमने जो है डायग्नोस्टिशियन को बुलाया। चलिए, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि शायद हमसे मिस हो रहा हो, डायग्नोसिस में कमी हो रही। तो डायग्नोस्टिशियन ने अपना देखा वेखा जो भी उन्होंने करा होगा, तो उन्होंने अपना जो मेरी समझ में आता है कि डायग्नोस्टिशियन ने जो देखा है, और चंद्र जी से भी वेरीफाई हुई कि जो उन्होंने देखा कि भाई एयर और फ्यूल यही तो देखोगे। अच्छा, एयर फ्यूल देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि जो जो डायग्नोस्टिक्स की तरफ देखता है वो फिर सेंसर को देखता है। उसने कहा कि ये इसमें जी क्रैंक सेंसर का फॉल्ट हो सकता है, उसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ नहीं था। और जैसे यहाँ पे मसला है कि अल्टा पल्टी करके बदल के देख लेते हैं, क्रैंक सेंसर बदल दो, और फिर उन्होंने कॉयल बदल ली, कॉयल उठा के रख दी कि मिसिंग जो है कॉयल के कारण है, कॉयल बदल दी, स्पार्क प्लग बदल दिए, और कॉयल अनप्लग थी वो गाड़ी, तो मैंने कहा दिल्ली वीड बदल लगी, इनको जरूरत नहीं पड़ी, और पर गाड़ी जो की तो। तीन चार दिन की मशक्कत के बाद जब हार गए तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, तीन चार लोगों से बात करी कि निष्कर्ष पे पहुंचे कि साहब ऐसा है कि ये ईसीएम का फॉल्ट लगता है। अब ईसीएम का फॉल्ट लगता है, ठीक है जी। तो ईसीएम खोल के ले गए एक भले मानस से, तो भले मानस नोएडा में ईसीएम ईसीएम वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने खोला, उन्होंने देखा क्या कहा कि भाई ईसीएम ठीक लग रहा है। फिर एक की जगह दूसरे को दिखाया, दूसरे की जगह तीसरे को दिखाया, ईसीएम पलट के देख लिया, और वो कोडिंग वोडिंग जो करनी थी ईसीएम की वो करके देख ली गाड़ी जो की तुम। अब क्या मैं आपको जो दिखा रहा हूं, मैकेनिक जो काम करता है उसने अपना नजरिया जो है उस गाड़ी पे वो लगाया, जो डायग्नोस्टिशियन है वो उसने सेंसर का नजरिया लगाया, जो ईसीएम वाला है उसने ईसीएम देखा, और जनाब फॉल्ट कहां पे निकला। और इसकी जो एक इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे वीडियो है, और बहुत ही कामयाब वीडियो है, और बहुत कम आपको वो वीडियो मिलेंगी इस तरीके की। तो अब आई डोंट नो यार, यूट्यूब का चैनल का किसी का नाम हम बता सकते हैं या बता सकते हैं? तो सुपर मारियो डायग्नोस्टिक्स है, सुपर मारियो डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। सुपर मारियो डायग्नोस्टिक्स पे आप जाएं, और उस आदमी ने एक बीएमडब्ल्यू के ऊपर रियल फॉल्ट, उसमें ये जो मैं आपको फॉल्ट बता रहा हूँ उसने वो फॉल्ट को रेक्टिफाई करके दिया, और आप भी हैरान होंगे कि फॉल्ट क्या था, क्योंकि ये फॉल्ट मेरे साथ भी आते रहे और हम लोग करते रहे, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था कि ये इतने ज्यादा आते हैं लोगों के पास। तो मैंने जब चंद्र जी से पूछा तो कहने लगे अरे सर ये तो बहुत आते हैं। मैंने कहा यार इसलिए तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। फॉल्ट ये था माय फ्रेंड, और वहां पे चले जाइएगा, और खैर मारियो ने अपना उसके अपने टूल्स हैं, सिंपल टूल्स हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है यार। मल्टीमीटर, एक टेस्ट लाइट उसने यूज की है, और एक जम्पर केबल, उसने आपको वेरियस ऑप्शन दिए हैं कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी वीडियो है उसकी, और बहुत ही नॉलेजेबल है। अब मसला क्या है, ये गाड़ी है, गाड़ी में हमारी एक बैटरी है। अब ध्यान से समझिए, अब बैटरी जो है साहब, बैटरी हमारी पावर सोर्स है, एक ही पावर सोर्स है हमारा, और ये पावर सोर्स को वेरीफाई करना
क्योंकि आप ये मान के चलिएगा जब इन्होंने फ्यूल पंप बदला होगा तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने वायरिंग और लाइन उसकी कंटिन्यूटी और पता नहीं वोल्टेज ड्रॉप इन्होंने ली नहीं ली गॉड नो, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम उनके मुताबिक कि भाई वो वायरिंग पूरी ठीक थी और बाद में जो निकला बिल्कुल वायरिंग ठीक उतनी नहीं थी जितनी, और कहां खराबी थी बहुत छोटी थी। तो बात यह है कि आपका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को चेक करना कोई दोस्तों इतना मुश्किल काम नहीं है। पॉजिटिव में क्या है कि आपने उठा के जो ग्राउंड पॉइंट है उस पर लगाया तो जो आपकी सोर्स वोल्टेज है मतलब जितनी बैटरी की वोल्टेज है, जब आप पॉजिटिव टू ग्राउंड कहीं पे भी लेते हो तो अगर आपकी वोल्टेज आ रही है तो आप ये बोलते हो कि ठीक है भाई ग्राउंड पॉइंट में और ये और वो यू नो वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, आपने चेक कर लिया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो ग्राउंड है हमारा, जो मेन ग्राउंड है वो इंजन ब्लॉक से, और जब ये ग्राउंड जो है इंजन ब्लॉक के इसमें करोजन आती है या ग्राउंड स्ट्रैप्स जो है वो करोड हो जाते हैं या जो यू नो बैटरी से ब्लॉक की तरफ जो ग्राउंडिंग जा रही है उसकी केबल खराब हो जाती है, फट जाती है, व्हाटएवर, तो आपकी गाड़ी ये पूरी तरह से यही काम करेगी। और इसमें जो मारियो ने बताया है और वो बिल्कुल उसका तरीका सही है, पर ये मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा। उसने क्या करा है, ग्राउंड टू ग्राउंड जो है वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किया। वोल्टेज ड्रॉप आप उसने क्या करा कि एक अच्छे एक एक बैटरी का ग्राउंड था या वो, क्योंकि वो BMW थी वो पीछे थी बैटरी, तो उसने जहां पे व्हाटएवर कोई अल्टरनेटर से या कहीं से और चेसी ग्राउंड लिया और या ब्लॉक लिया, ब्लॉक से यू नो चेसी ग्राउंड तक लिया और समथिंग, और उसमें टेस्ट लाइट का मतलब ये है, उसने टेस्ट लाइट को नेगेटिव पे कनेक्ट किया। टेस्ट लाइट नेगेटिव का मतलब ये है कि जब आप पॉजिटिव पे टच करोगे तो टेस्ट लाइट जल जाएगी, राइट, सर्किट पूरा हो गया। तो उसने क्या करा कि नेगेटिव पे लगा के उसने टेस्ट लाइट को टच करा इंजन ब्लॉक के और गाड़ी को करा स्टार्ट। ये पॉइंट आपको नजर में रखना है, यही सारा गेम है। अगर आप इसको क्रैंक नहीं करोगे गाड़ी को तो आपसे कभी ये फॉल्ट पकड़ा नहीं जाएगा मेरे फ्रेंड्स। जब उसने इसको क्रैंक करा तो टेस्ट लाइट जल गई। इंजन ब्लॉक पे हमारी कोई वोल्टेज दिखनी नहीं चाहिए, अगर आप मेरी बात से इत्तफाक रख रहे हैं तो। जब मैं नेगेटिव टू इंजन ब्लॉक, मैं दोबारा समझ लें, अगर मैं टेस्ट लाइट का नेगेटिव और इंजन ब्लॉक पे टच करता हूं और गाड़ी को क्रैंक करता हूं तो टेस्ट लाइट जलनी नहीं चाहिए, राइट। यही काम आप मल्टीमीटर से भी कर सकते हो। मल्टीमीटर की आपने ये यू नो ब्लैक लीड बैटरी नेगेटिव पे ली, लाल लीड जो है इंजन ब्लॉक में ले ली या कोई भी ले ली, ग्राउंड टू ग्राउंड चेक करा, और अगर आपको यहां पे कोई भी 100 मिली वोल्ट से ऊपर की रीडिंग आती है तो इसका मतलब आपका बैकग्राउंड है। तो यू नो बेसिकली गाड़ी में क्या निकला कि आपकी जो ग्राउंड है वो बहुत ही वो मतलब बेसिकली करोड़ हो गया था। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि और मेरा कहना यह है कि मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यह है कि आपने गाड़ी को सेल्फ मारा। अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप जो उसने करा है वो वोल्टेज ड्रॉप ही है, अगर आप वोल्टेज ड्रॉप स्टैटिक खड़ी गाड़ी में करते हो तो आपको जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव दिखेगा, जहां नेगेटिव है नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है खड़ी हुई है। मतलब ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं जाना चाह रहा हूं, कहना यह है कि अगर आपने वोल्टेज ड्रॉप चेक करनी है तो गाड़ी का मतलब जो सर्किट है, गाड़ी भी एक सर्किट है यार, बैटरी का अल्टीमेटली घूम फिर के नेगेटिव इंजन जो पॉजिटिव है वो ग्राउंड तक पहुंचेगा, सर्किट सर्किट है। तो आपका जो नेगेटिव टू नेगेटिव करोगे तो जब भी आपने वोल्टेज ड्रॉप करना है, पॉजिटिव साइड करना है, नेगेटिव साइड करना है, आपको क्रैंक करना है या गाड़ी को लोड देके रखना है तो आपको पता लगेगा। तो मेरी आपसे आई विल कीप दी वीडियो टिल हियर माय फ्रेंड्स, और मेरी आपसे गुजारिश है कि
कि कुछ जो चीजें हैं वो आप जैसे सुपर मारियो डार्क डायग्नोस्टिक्स हैं और ये चैनल्स जो हैं उनको आप देखें, और उसमें स्पेसिफिकली आपको सारी वीडियो देखनी है देखें। और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ में आती कोई दिक्कत नहीं है यार, हम टेक्नीशियन ऐसे हैं कि हमारे को जो कर रहा है उसकी भाषा समझ आ जाती है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो तमिल में बोल रहा है वो फ्रेंच में बोल रहा है, वो जो कर रहा है उसी से हमारी समझ में आ जाती है। सो इस वीडियो को यहीं पे रखते हुए विल कैच यू अप वेरी सून एक नई वीडियो के साथ। सो चीयर्स, टेक केयर, बाय बाय।